गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड ईयर का जलवायु से संबंधित। अपना टॉपिक चल रहा था मैन, जो जलवायु है, मानसून जो है, उसके बारे में मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझा दिया था कि मानसून क्या होता है, जलवायु क्या होती है। ठीक है, हर क्षेत्र के अंदर जलवायु है, उसके लिए अपन ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब एक ही दिन के अंदर अपन उस क्षेत्र की जलवायु है वो निर्धारित नहीं कर सकते। उसके लिए जैसे मान लो आपका 15 से 20 साल 50 साल ऐसे क्या है जलवायु का निर्धारण होता है। और मानसून के लिए क्या कहा जाता है कि मानसून है वो आपका क्या है, मौसम शब्द से बना है, अरबी भाषा का शब्द है, उसका जो अर्थ होता है मानसून का, उसके लिए कहा जाता है कि हवाओं में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है आपका मानसून कहलाता है। तो अपन भारत की जलवायु से संबंधित पढ़ रहे थे, तो जलवायु के अंदर ही आपका क्या है मानसून और जलवायु को सम्मिलित किया जाता है। तो भारत की जलवायु को आज का अपना टॉपिक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, इनकी अपन क्या है आज विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, दो भागों में बांटा गया है इसको। कौन से दो कारक? दो कारक है, पहला तो आपका स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। ठीक है, दो हिस्सों में रखा गया है किसको, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को। और दूसरा है तुम्हारा क्या है, पवन व वायु दाब संबंधी कारक। ठीक है, संबंधी कारक दो हिस्सों के अंदर बांटा गया है। अगर साधारण रूप में देखा जाए तो स्थिति और उच्चावच संबंधी कारकों को फिर क्या है अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसके अंदर आपकी क्या है अलग अलग कारक है वो आ जाएंगे, जिसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है आपकी अक्षांश, दूसरा है आपका उच्चावच, तीसरा है आपकी समुद्र तल से दूरी, तीसरी है समुद्र तल से ऊंचाई से ऊंचाई कि कौन से अक्षांश पर स्थित है, कौन से ये जो उच्चावच है वो पाए जाते हैं। उसी के साथ अगर देखा जाए तो आपकी समुद्र तल से ऊंचाई है, आपका क्या है जल और स्थल है वो कैसे इसका वितरण है, पर्वतों से जो दूरी है वो आ जाएगा आपका जल स्थल, जल व स्थल का वितरण। ठीक है, एक है आपका हिमालय पर्वत। तो ये तो क्या है स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक हैं, जिनको अपन क्या है डिटेल से पढ़ेंगे। इनको समझाऊंगी कि अक्षांश से कैसे दूरी है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, उच्चावच है, समुद्र तल से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, ये सारे कारक क्या है आपके कैसे संबंधित है स्थिति और उच्चावच से संबंधित है। दूसरा आपका आता है वायु दाब और पवनी। ठीक है, वायु दाब और पवन संबंधी कारक हैं वो आपको कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे वायु दाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, वायु दाब
वह पवनों का धरातल पर वितरण कि किस तरीके से वायु दाब और पवन है वो धरातल के ऊपर किस तरीके से प्रभावित करती है जलवायु को। दूसरा आपका आता है इसके अंदर भूमंडलीय मानसून को नियंत्रित करने वाले कारक, भूमंडलीय मानसून को नियंत्रित करने वाले कारक संबंधी, ठीक है। ये क्या है कि भूमंडल पे क्या है, अनेक प्रकार की जो पवने होती हैं वो क्या होती है, अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे पछुआ पवने है, व्यापारिक पवने हैं। ये क्या है, पवने हैं वो धरातल को किस तरीके से प्रभावित करती है। आगे है शीतकाल में क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ, इनकी क्या है अपन आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये जो दो कारक है, स्थिति उच्चावत संबंधी पवन, वायु संबंधी कारक, ये दोनों कारक है किसको, जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, जो भारत की जलवायु है उसको किस तरीके से प्रभावित करने है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार ले लीजिए, आगे फिर डिटेल से अभी पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब उठाते हैं अपन कौन से स्थिति और उच्चावत संबंधी कारकों में। सबसे पहले अक्षांश, कि अक्षांश है वो किस तरीके से भारत की जलवायु को है वो प्रभावित करता है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है अक्षांश। अक्षांश, अब देखो भारत की स्थिति क्या है ग्लोब के ऊपर, ये चीज समझना। जैसे ये आपका क्या है, ग्लोब है, और ग्लोब को क्या है, 0 डिग्री अक्षांश वृत्त है, वो दो भागों में विभाजित कर रहा है वृत्त। इसे क्या है, विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो 0 डिग्री पे होती है। ऊपर क्या है आपकी, कर्क रेखा। ऊपर का मतलब उत्तरी भाग कितने डिग्री पे होती है, 23.5 डिग्री अक्षांश। ऐसे ही नीचे की साइड में मकर रेखा, वो भी आपकी 23.5 डिग्री पे होती है। ये लेकिन क्या है, दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, अगर अपन क्या है भारत की स्थिति देखते हैं ग्लोब के ऊपर, तो भारत की स्थिति है वो कैसे है आपकी, कौन से गोलार्ध में पड़ती है, सबसे पहले तो आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। दूसरा क्या है, जो कर्क रेखा है वो भारत को कितने हिस्सों में बांट रही है, दो हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, दो हिस्सों के अंदर आपकी क्या है, भारत की स्थिति है। तो भारत की जो स्थिति है वो दो गोलार्धों में होने के, सॉरी गोलार्ध तो क्या है आपका, उत्तरी गोलार्ध है, लेकिन कर्क आपके जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से निकलती है, यानी कि सूर्य का जो ताप होता है, यहाँ पे अगर आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है तो यहाँ पे सूर्य चमकेगा कर्क रेखा पे। लेकिन क्या है, कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित कर रही है, दो भागों में विभाजित कर रही है, तो ऊपर वाला भाग तो कौन सा हो गया आपका, शीतोष्ण भाग में, और नीचे वाला कौन सा आ गया, उष्ण में। यानी कि भारत की जो जलवायु है साधारण, वो भारत की जलवायु आपकी कौन सी बोली जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है,
वो कहा जाता है भारत की जलवायु को। लेकिन क्या है, भारत की जलवायु के लिए अगर कर्क रेखा है वो क्या है, दो भागों में डिवाइड कर रही है, तो इसकी स्थिति क्या है, क्योंकि ये कर्क रेखा है, ये क्या है आपकी अक्षांश रेखा है, यानी कि अक्षांश रेखा भारत को जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा है, वो भारत को दो भागों में विभाजित कर रही है। तो ऊपर वाले भाग के अंदर अगर बात करते हैं भारत की, तो ऊपर तो आपका क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका शीतोष्ण के अंदर आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऊपर वाला हिस्सा तो क्या है, शीतोष्ण भाग में पड़ता है, और नीचे वाला भाग है आपका क्या है, उष्णकटिबंध जो आपकी भूमध्य रेखा के पास में पड़ता है। तो यहाँ पे जो सूर्य चमकता है सबसे ज्यादा, कहा जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा तो तापमान होता है और बहुत ज्यादा ही यहाँ पे क्या होती है, बरसात होती है। तो आपका नीचे वाला भाग कौन से क्षेत्र में आ गया, उष्णकटिबंध में। तो यहाँ पे जलवायु कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय। इसलिए थोड़ा लिख लेते हैं कि ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, यानी कि भारत की जलवायु, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को दो भागों में, दो भागों में विभाजित करती है, जिससे उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, व दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इस तरीके से क्या है, आपकी अक्षांश जो रेखाएं हैं वो किसको प्रभावित कर रही हैं, जलवायु को प्रभावित कर रही हैं। अगर इसका देखा जाए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला, तो उष्णकटिबंधीय जो उष्णकटिबंध है भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, उच्च तो तापमान तथा आपका दैनिक जो तापमान होता है और वार्षिक तापांतर का क्या है, जो उच्च तापमान और कम दैनिक व वार्षिक तापांतर का अंतर है वो अनुभव किया जाता है, क्योंकि आपकी क्या है, भूमध्य रेखा के पास में होने के कारण यहाँ का जो उच्च तापमान होता है, ये जो वार्षिक जो तापमान है, वार्षिक व दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। ठीक है, कम पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है, भूमध्य रेखा के पास होने की वजह से यहाँ पे कम पाया जाता है। लेकिन कर्क रेखा के अंदर स्थित होने के कारण आपका क्या है, भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण यहाँ पे उच्च दैनिक वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु भी पाई जाती है। यानी कि इस वाले क्षेत्र के अंदर ये जो कर्क रेखा है वो आपको क्या है, जैसे ही इधर के नीचे वाले हिस्से के अंदर तो क्या है, दैनिक तापांतर है, कम पाया जाता है। अगर गर्मियों के अंदर अगर बात करते हैं इस क्षेत्र की, शीतोष्ण वाले की, तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, दैनिक तापांतर है वो क्या, बहुत अंतर पाया जाता है, दैनिक और वार्षिक तापांतर में क्या है आपकी अंतर पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ की जो जलवायु है वो क्या हो जाती है, विषम हो जाती है, जिस कारण जलवायु विषम पाई जाती
है। समझ में आ गया कि अक्षांश किस तरीके से अक्षांश रेखा है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, ये जो मैप है जो ग्लोब बना के बताया है इसी के ऊपर क्या है आपकी अक्षांश रेखा है उसका निर्धारण होता है। अगला आपका आता है हिमालय पर्वत। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला है हिमालय पर्वत, दूसरा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कैसे, यानी कि हिमालय पर्वत जो आपकी जो ठंडी हवाएं जो आती है वो क्या है हिमालय पर्वत रोक कर क्या कर देता है। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करता है। हिमालय पर्वत के लिए कहा जाता है कि ये क्या है उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिसके कारण क्या है यहाँ पे क्या है कम बाकी जो आपकी कराकोरम है जो जो चोटियां हैं आपकी जैसे नेपाल है इस वाले एरिया के अंदर तिब्बत के जो तिब्बत का पठार है आपका पामीर का घाट है इन वाली क्षेत्रों से जो हवाएं उठकर आती हैं आपकी ठंडी हवाएं ये क्या है इस तरीके से रोकता है। क्योंकि जो आपकी हिमालय की जो अब स्थिति है भारत में वो कैसी है यानी कि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को ये रोकता है। ठीक है, अगर ये प्रवेश करती है तो कहाँ पे जम्मू कश्मीर है हिमाचल वाला क्षेत्र है इस वाले एरिया के अंदर ये प्रवेश करती है तो यहाँ पे तो क्या है बर्फ के रूप में बरसात होती है या क्या है बहुत ठंडी हवा होने के कारण यहाँ पे क्या है बरसात के मौसम के अंदर बरसात हो जाती है। और आपका जो पंजाब वाला एरिया है वहां पे भी क्या है ठंडी हवाओं की वजह से इस वाले एरिया के अंदर भी क्या है बरसात होती है या क्या है हिम जो ठंडी हवाएं होती हैं तो वो क्या है पानी को जमा देती हैं यानी कि बर्फ के रूप के अंदर वहां का जो क्षेत्र होता है वो जम जाता है। लेकिन क्या है आपका जो हिमालय पर्वत है वो किससे सुरक्षा करता है ठंडी हवाओं को रोकता है। दूसरा है जलवायु को कैसे प्रभावित करेगा कि ये जो ठंडी हवाएं जो आती हैं वो हिमालय पर्वत है वो रोक कर यहाँ इस वाले क्षेत्र के अंदर बरसात भी करवाता है। अगर इसकी जलवायु की बात करते हैं तो ये क्या है एक प्रभावी जलवायु विभाजक भी माना जाता है। इसके अंदर क्या है जो जमा देने वाली ठंडी हवाएं होती हैं आपकी पवनें जो होती हैं उत्तरी ध्रुव से पैदा होने वाली वो क्या है यहाँ आसपास में मतलब मानसून को रोक कर ये इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या है बरसात भी कराती है। यानी कि लिख लेते हैं थोड़ा सा उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं से वर्षा कराता है और ठंडी हवाओं से बरसात कराता है। दूसरा अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो ये क्या है एक प्रभावी जलवायु विभाजक प्रभावी जलवायु विभाजक भी माना जाता है। कौन हिमालय पर्वत। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हिमालय से आने वाली सॉरी उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर बरसात कराता है। अगर ठंडी हवाएं भारत के अंदर प्रवेश करती हैं तो आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र वाले जो क्षेत्र का जो हिस्सा है वहां पे बर्फ के रूप के अंदर ये जो ठंडी हवाएं होती है वो क्या है पानी को जमा देती हैं या थोड़ी कभी कभार क्या हो जाती है बर्फ के रूप में बरसात भी होने लगती है। तो एक तो हो गया अक्षांश, दूसरा आपका हिमालय पर्वत। अगला जो पॉइंट है आपका जल और स्थल का वितरण, ये उतार लिया होगा जल व स्थल का वितरण। जल व स्थल का वितरण किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करता है। देखो सुना होगा कि जल और स्थल के वितरण की अगर अपन बात करते हैं तो जल भाग है वो क्या होता है आपका धीरे धीरे तो ठंडा होता है और धीरे धीरे ही आपका क्या होता है
गर्म होता है। इसके विपरीत अगर अपन स्थल भाग की बात करते हैं तो स्थल भाग क्या होता है, आपका जल्दी तो गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इसलिए भारत के दक्षिण भाग के अंदर क्या है, अगर देखा जाए तो भारत के दक्षिणी भाग के अंदर ये क्या है, तीनों ओर जल से घिरा हुआ पार्ट होता है। इसलिए स्थल की अपेक्षा क्या है, जो जल भाग होता है वो क्या हो जाता है आपका, जल्दी तो गर्म होता है, सॉरी धीरे धीरे तो ठंडा होता है और धीरे धीरे ही क्या होता है, गर्म होता है। और इसके विपरीत अगर इस क्षेत्र के अंदर पवनों का पवन की अगर बात की जाए तो इस पवनों के अकॉर्डिंग क्या है, देखो थोड़ा सा समझाती हूँ कि जैसे मान लो आपका ये राजस्थान इंडिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ इस इधर अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हिंद महासागर, ठीक है, तीन चीजें, तो तीनों ओर से ही पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्षेत्र जो है ये तो क्या है आपका, धीरे धीरे तो गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंडा होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर बात करें, स्थल आंतरिक जो भाग है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है आपका, जल की कमी पाई जाती है, जो भाग आंतरिक भाग कहलाता है। इस क्षेत्र में क्या है, कोई भी जलीय क्षेत्र यहाँ पे नहीं है, तो क्या है आपका, स्थलीय क्षेत्र है। तो ये स्थलीय क्षेत्र यहाँ पे जब कर्क रेखा पर सूर्य जब चमकता है तो आपका ये क्या है, यहाँ पे वायु दाब कैसा हो जाता है, निम्न वायु दाब हो जाता है। और वायु दाब के लिए अगर देखा जाए तो जो हिंद महासागर से उठने वाली जो हवाएं हैं वो यहाँ पे क्या होता है, समुद्री भाग के अंदर वायु दाब कैसा पाया जाता है, उच्च पाया जाता है, ठीक है, इस क्षेत्र में उच्च पाया जाएगा, गर्मी के समय की बात है। तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो क्या है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ेंगी। तो इस क्षेत्र के अंदर अगर अपन स्थल और जल भाग की अगर बात करते हैं तो स्थलीय भाग क्या हो जाता है आपका, ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो हिंद महासागर से उठने वाली जो हवाएं हैं वो क्या है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती हैं। तो इस तरीके से आपका स्थल और जल भाग है वो भी किसको, जलवायु को या मानसून को प्रभावित करता है। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपका, थोड़ा सा लिख लेते हैं कि स्थल भाग जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा होता है, जबकि जलीय भाग देर से गर्म व देर से ठंडा होता है। इस तरह स्थल व जल दोनों जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे है तुम्हारा स्थल और जल के बाद में आपका समुद्र तट से दूरी। देखो समुद्र तट से दूरी है वो क्या है आपको, जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करती है कि आपकी जो दक्षिणी भाग है आपका, तटीय जो क्षेत्र है द्वीप वाला और घाट वाले, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इस क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो ये जो तटीय रेखा है, इसकी जो तटीय रेखा की जो दूरी है भारत के अंदर क्या है, ये इस क्षेत्र के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो तो आपकी क्या होती है, समकारी होती है, मतलब ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है जलवायु में। अगर इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है, उत्तरी भाग की अगर देखी जाए तो यहाँ पे जलवायु का क्या है, वितरण पाया जाता है।
यानी कि अगर अपन एक ही अक्षांश की अगर बात करते हैं तो मुंबई और कोंकण तट के पास के जो जो तापमान है इस क्षेत्र के अंदर, जो मुंबई और आपका कोंकण तट है वहां पे अगर क्या है तापमान क्या होता है आपका अंतर है वो नहीं मिलता है। विषमकारी और ऋतु परिवर्तन का अनुभव है नहीं किया जाता, लेकिन इससे दूर स्थित क्षेत्र है जैसे दिल्ली है, कानपुर है, अमृतसर है, वहां पे क्या है इस क्षेत्र के अंदर जलवायु में अंतर देखने को मिलता है। देखो मैपिंग के द्वारा समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे आपका दिल्ली और ये वाला आपका कोंकण तट है, ठीक है। इस कोंकण तट की अगर बात करते हैं अपन, सॉरी कोंकण तट ये वाला, ठीक है, ये आपका कोंकण तट और मुंबई का क्षेत्र है। यहाँ पे अगर जलवायु की बात करते हैं तो ये क्या है आपका समुद्री क्षेत्र है। मैंने बताया था अभी कि यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर, ये तीनों ओर से क्या है जल से घिरा हुआ होता है। तो ये जल से घिरा होने के कारण इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो क्या है विषमकारी, विषमकारी नहीं है, यानी कि सम जलवायु पाई जाती है। जो जलवायु में जो अंतर होता है यहाँ पे क्या है कि समुद्री भाग तटीय क्षेत्र होने के कारण, ये तीनों ओर पानी से घिरा हुआ होने के कारण यहाँ पे क्या होता है जलवायु में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। जैसे आपका कोंकण तट और मुंबई के लिए उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ जो जलवायु में विषमता है वो देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर इसके ऊपर की ओर जाते हैं, दिल्ली है आपका, कानपुर है, और ये इधर ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है स्थलीय भाग है, ठीक है, स्थलीय भाग है, जिसके कारण यहाँ पे कोई जलीय भाग नहीं है। जलीय भाग नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है जो परिवर्तन आता है ऋतुओं के अंदर, जलवायु के अंदर, तो वो क्या है विषमकारी होता है, विषमकारी होता है। कैसे होता है विषमकारी, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर गर्मी और सर्दी की ऋतु में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। और अगर इस क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो गर्मियों में तो बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दियों के अंदर बहुत ठंड पड़ती है। तो इस तरीके से ये जो अंतर है ये क्या है मुंबई और कोंकण तट के अंदर क्या है आपका इतना अंतर देखने को नहीं मिलता है जितना आपके मुंबई और कानपुर वाले क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये क्या है समुद्र तट से दूरी होने की वजह से ये क्या है जलवायु को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक माना जाता है। समुद्र तट से दूरी, ये क्या है आपका समुद्रीय भाग है, और समुद्रीय भाग होने के कारण ये क्या है जो आपका समुद्र तट से दूरी कौन से क्षेत्र की, दिल्ली कानपुर वाले क्षेत्र की समुद्र तट से दूरी है, जिसके कारण यहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है। और नीचे वाले हिस्से के अंदर मुंबई कोंकण तट वाले क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी जलवायु में अंतर है वो कम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है ये समझ में आ गया होगा। जैसे समुद्र तट से दूरी के लिए दिल्ली व कानपुर वाले क्षेत्रों में जलवायु में विषम जलवायु में विषमता देखने को मिलती है क्योंकि आंतरिक भाग स्थलीय है, ठीक है। इसके विपरीत आपका मुंबई व कोंकण तट पर सम जलवायु मिलती है क्योंकि समुद्र
क्षेत्र रहते हैं, ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर क्या है, समुद्र तट होने की वजह से इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी समुद्र तट से दूरी कम होने की वजह से यहाँ पे जलवायु के अंदर क्या है, सम जलवायु पाई जाती है, मतलब जलवायु में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। और कानपुर और दिल्ली वाले क्षेत्र के अंदर विषम जलवायु है वो देखने को मिलती है। आगे अगर बात करते हैं तो आपका आता है समुद्र तल से ऊंचाई, ये तो तट हो गया। अगला आपका समुद्र तट और समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कैसे प्रभावित करेगा, समुद्र तल से ऊंचाई कि जिस तरीके से क्या है आपकी अक्षांश रेखाएं निकलती हैं, उसी के साथ में क्या है ऊंचाई के साथ क्या होता है, एक विशेषता है आपकी, ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, घटता है। तो इस तरीके से विरल जो कम जो जलवायु होती है वो क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों पर्वतीय प्रदेशों के अंदर मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। यानी कि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वो क्या है मैदानों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक ठंडे होते हैं। तो इस तरीके से ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आगरा और दार्जिलिंग जो दो स्थान है वो दोनों क्या है आपके एक ही अक्षांश पर स्थित होने की वजह से यहाँ पे क्या है दोनों में अंतर देखने को मिलता है। कौन से क्षेत्र के अंदर, जैसे आपके जनवरी के महीने में आगरा का जो तापमान होता है वो 16 डिग्री पाया जाता है, और इसके विपरीत दार्जिलिंग की अगर बात करते हैं तो दार्जिलिंग में आपका क्या है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो देखने को मिलता है। देखो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अपना पॉइंट क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि ये स्थल भाग है, और स्थल भाग से अगर क्या है अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान में क्या आने लग जाता है, कमी आने लग जाती है। तो क्या है पर्वतीय क्षेत्र के अंदर क्या होगा, तापमान कम होगा तो वहां पे क्या होगा ठंडी जलवायु पाई जाएगी, और नीचे वाले क्षेत्रों के अंदर क्या है जलवायु है वो क्या है उसका अंतर पाया जाएगा। तो इस तरीके से ऊंचाई के साथ क्या है तापमान है वो घटता है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए किसकी तुलना में, पर्वतीय प्रदेशों की तुलना में, पर्वतीय प्रदेशों की तुलना में आपका मैदान पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में क्या होते हैं अधिक ठंडे होते हैं। पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में ठंडे होते हैं। जैसे आपका कौन सा आगरा व दार्जिलिंग दार्जिलिंग आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन जनवरी महीने में तापमान में अंतर देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, एक ही अक्षांश पे है लेकिन क्या है दोनों में अंतर देखने को मिलता है। कैसे, क्योंकि आपका आगरा के अंदर जो तापमान है आगरा में तापमान किसके महीने की, जनवरी महीने की, जनवरी में
आगरा में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस व दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। तो ये क्या है, ऊंचाई के आधार पे क्या है इन दोनों में अंतर पाया जाता है। अगर देखा जाए तो क्या है, ये एक ही अक्षांश पे स्थित है। जैसे मान लो ये अक्षांश है और एक ही अक्षांश पे स्थित है, जैसे आपका आगरा और दार्जिलिंग दोनों क्या है एक ही अक्षांश पे स्थित है, लेकिन दोनों की क्या है ऊंचाई में अंतर पाया जाता है, जिसके कारण इनके तापमान में अंतर पाया जाता है। और इस तरीके से समुद्र तल से ऊंचाई है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। अगला है आपका उच्चावच, ठीक है, लास्ट पॉइंट है उच्चावच। उच्चावच कैसे प्रभावित करेगा जलवायु को, कि जैसे आपके भारत के भौतिक स्वरूप में अगर देखा जाए तो भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर क्या है अलग अलग क्षेत्र अपन को देखने को मिलते हैं, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदियां है, कहीं पे आपकी क्या है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जो स्थल भाग है वो अपन को देखने को मिलते हैं। तो इसके विपरीत आपका जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जून और जुलाई के बीच में पश्चिमी घाट के अंदर तो क्या होता है, पश्चिमी घाट और असम के पूर्व पवनमुखी ढाल पर अधिक बरसात होती है, लेकिन इसके पश्चिमी घाट के क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए, पश्चिमी घाट के अंदर देखा जाए तो दक्षिणी भाग एवं पवनमुखी स्थिति होने के कारण यहाँ पे क्या है बरसात है वो कम पाई जाती है। देखो ऐसे समझो, उच्चावच का मतलब होता है पर्वतीय भाग, ठीक है, ये कोई भी एक पर्वतीय क्षेत्र है। अगर यहाँ से क्या है हवाएं आ रही है, ठीक है, हवाएं आती हैं और यहाँ पे आपका कोई भी समुद्री भाग था और समुद्री भाग से क्या है वो आर्द्रता ग्रहण करती है, तो जब वो आर्द्रता ग्रहण करती है और सामने से कोई भी पर्वतीय भाग है या कोई भी कारक है इससे टकराता है, तो टकराने से इस भाग में तो क्या हो जाती है बरसात हो जाती है, और ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला ये क्या हो जाता है आपका सूखा रह जाता है। तो वही चीज क्या है उच्चावच के अंदर बताई गई है कि आपका पश्चिमी घाट है वो क्या है, आप जैसे भारत के उच्चावच की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी घाट के अंदर आपका जैसे मान लो ये आपका कौन सा है पश्चिमी भाग और ये आपका है पूर्वी भाग, ठीक है, तो दोनों के अंदर अंतर कैसे कि जैसे मान लो आपकी जो अरब सागर से जो हवाएं आती हैं वो क्या है केरल तट से टकराती हैं, तो केरल तट के पास में क्या हो जाती है इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, तो इस तट से टकराने के कारण यहाँ पे क्या कर देती है बरसात कर देती है। तो ये क्या है उच्चावच का एक क्षेत्र माना जाता है। इस तरीके से उच्चावच भी क्या है जलवायु को प्रभावित करते हैं कि जहां पे क्या है जो क्षेत्र जहां से टकराता है वहां पे तो क्या हो जाती है बरसात हो जाती है, और इसके विपरीत वाला क्षेत्र हो जाता है यहाँ पे जैसे टकराई तो यहाँ तो बरसात हो गई, और इस क्षेत्र में अगर टकराएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे बरसात है वो नहीं हो पाती है। इसी तरीके से कहा है पश्चिमी घाट के अंदर तो क्या हो जाती है आपकी बरसात हो जाती है, और पूर्वी भाग के अंदर क्या हो जाता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है उच्चावच, पहाड़ी उच्चावच का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं समुद्र तल से या स्थल भाग से ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं वो आपके उच्चावच कहलाते हैं। तो इस तरीके से क्या है ये क्या है जलवायु को प्रभावित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।